भैया और राम राम। आप देख रहे बुंदेली चुगली चैनल, हम है राजेंद्र त्रिवेदी। भैया सावन को महीना चल रहा, भोले बाबा को परम प्रिय, सबसे प्रिय यही महीना सावन महीना। और मौसम भी देखो कितना सुंदर है, कितनो आनंद आ रहा हो। बुंदेली चुगली की लाइव प्रस्तुति को मकसद भैया सिर्फ आप लोगों का सभी प्रकार की खबरें दिखावो रात, तो कोनो खबर छूटे ना। अब जब सावन है तो निश्चित है तो भोले बाबा के में तो भीड़ होता ही भैया, कीर्तन हो रामधन हो। तो आज भैया जो लाइव प्रस्तुति दिखाई जा रही है आप लोगों ने संकट मोचन से, संकट मोचन में तो बब्बा जी भी विराजमान है, माता भी विराजमान है, और भोलेनाथ बाबा को बड़ो पावन पवित्र स्थान है, बहुत अच्छो सुंदर मंदिर है, पुरानो राजसु जमाने को मंदिर है, जो राजन महाराजन के टाइम को है। तो अब हम आप खा जब प्रस्तुति के माध्यम से, लाइव प्रस्तुति के माध्यम से दर्शन करवा रहे भैया भोले बाबा के संकट मोचन मंदिर से, तो सभी जने घर बैठ के दर्शन करो। देखो नए नए मंदिर जो बने जा रहे, वे भी हम दिखवा रहे आप लोगों ने कहा, ये सब नए मंदिरन को निर्माण हो जा रहा हो, सब मंदिर जो नए बन रहे हैं। और जो पुरानो मंदिर है, जो राजसी टाइम को मंदिर है, राजा महाराजन के टाइम को मंदिर है, वो मंदिर है जो है भैया भोले बाबा को मंदिर। तो जो इतने से देखो, अब जो हम मंदिर दिखवा रहे हैं आप लोगों का श्री संकट मोचन मंदिर, बथारी दरवाजा के आगे जैसे ही अपन चलत है तेगड्डा मिलत, राजनगर तेगड्डा कहा, वही तेगड्डे पे जो मंदिर है भैया बहुत अच्छा मंदिर है भगवान भोलेनाथ को। तो आज सोमवार है तो हम आओ भी गाय तो बनत के अपने दर्शकन का दर्शन करवाएं घरे बैठ के, अगर इतने नहीं आ पाए, अगर दर्शन करवे नहीं आ पाए भैया मौसम खराब है, तो बुंदेली चुगली तो ले ठेका, बुंदेली चुगली दर्शन करा है आप लोगों ने सब जन का। देखो जो मूर्ति विराजमान है भैया, विशेष तौर से अब जे है भैया सबसे पहले तो दर्शन करो बुंदेली चुगली चैनल के माध्यम से, लाइव के माध्यम से आप दर्शन करो। जे बैठे भोलेनाथ त्रिनेत्र धारी डमलू बारे जटाधारी कैलाश पति गिरिजापति जय हो जय श्री माता। भोलेनाथ विराजमान है भैया, देखो करो दर्शन, थोड़ी जूम कर दो, दर्शन करो भैया संकट मोचन मंदिर, भोलेनाथ बाबा को मंदिर है, सभी जने घरे बैठ के दर्शन करो। सोमवार है और सोमवार का भोले बाबा के मंदिर में भजन कीर्तन विशेष रूप से चलत है। देखो एक इतने जब कीर्तन चल रही, राम नाम संकीर्तन चल रही, जब कीर्तन चल रही कीर्तन में देखो सभी जने भैया अपनो अपनो योगदान दे थे, आदमी अखंड राम धुन हो थे 24 घंटा की। नंदी महाराज विराजमान है, भोले बाबा जहाँ हुई हैं तो नंदी महाराज तो वैसे हुई हैं, प्रमुखता से हुई हैं। तो इसे भैया जो भी देखा जाओ सभी जने, भोले बाबा को आशीर्वाद भी ले जाओ सभी जने। बुंदेली चुगली की लाइव प्रस्तुति के माध्यम से हम आप लोगों का सब दर्शन करवा भी प्रयास कर भी कि एक एक जगह के दर्शन हम आपका करवा सकें, आगे भी कोनो मंदिर में जाके दर्शन करवाएं। लव और कुछ पैदा हो गए, घोर अत्याचार हो रहा महोबा जिला में, महोबा जिला में घोर अत्याचार। तो भैया इनकी अपनी एक अलग कहानी है, देखो भोलेनाथ के दर्शन करवा रहे हम आपका लाइव प्रस्तुति के माध्यम से। अब आगे चल के और भी मंदिर है, विशेष मंदिर है, लेकिन आज श्रद्धालुओं की अभी कमी है, काहे मौसम खराब है, तो तना देखो श्रद्धालु मिल रहो तो बात कर रहे, बात भी करें अगर श्रद्धालु मिल रहे तो भैया बात करवा है, लेकिन आज मौसम की वजह से संख्या कम है, नहीं तो भीड़ तो बहुत हो, तो शाम के भीड़ विशेष तौर पे हो जाए तो उस टाइम पे लाइव प्रस्तुति हम दे नहीं पाऊँ तो भीड़ के कारण। अब जो है देखो मंदिर में धीरे 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 दर्शक आउ जा रहे, दर्शन करवे वाले धीरे धीरे मंदिर में आउ जा रहे हैं। बुंदेली चुगली की जो लाइव प्रस्तुति है भैया, घरे बैठ के दर्शन करो, सभी जने दर्शन को लाभ लो, पुण्य लाभ लो भैया। बुंदेली चुगली को जो दायित्व बनत के अपने दर्शकन खा, मौसम खराब है नहीं आ पाए, कहा इतने दर्शन कर भी आई तो मोरे क्या दर्शन कर भी आई हाँ? कैसो लगो? अच्छा लगा। कहा मांगो भोले बाबा?
हाँ मांगा है, हमारे पढ़ाई में मन लगे। बहुत बढ़िया, देखो भैया ये हमारे छतरपुर के बच्चन की हमारे देखो दिमाग के तो दो भोले बाबा ने कुन्ने जो बता है कि हम आए दर्शनन के लाने आए। देखो भैया सुंदर तालाब है, भोले बाबा को तालाब भी हम आप लोगों ने दिखवा रहे। देखो तालाब कितना सुंदर तालाब है, मौसम भी देखो भैया, बादल देखो कितने मस्त बादल है, कितना अच्छा लग रहा, कितना सुहावनो मौसम है। जो अब हम आप लोगों ने आगे चल के मंदिरन के भी भैया दर्शन करवा रहे, अगर पट खुले हुए तो हम उनके भी आप लोगों ने दर्शन करवा भी, और एक एक मंदिरन के दर्शन सामन सोमवार खां अगले सोमवार खां प्रस्तुति को दूसरे मंदिर से दे भी हम भैया लाइव प्रस्तुति दे भी आप लोगों के समक्ष। देखो अंदर चल रहे हम इतने के भी देखो ये हैं भैया इतने बब्बा जी बिराजी हैं परमानंदी निर्मोही अखाड़ा धनुषधारी मंदिर संकट मोचन चित्रकूट से संबंधित है। अब देखो इतने भी भैया हम आप लोगों का अंदर ले जाके दर्शन करवा रहे। देखो इतने के भी दर्शन लो करो बब्बा जी के, सभी जने भोले बाबा जहाँ विराजमान तो बब्बा जी हुई हैं, उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं के अवतार हैं। तो जे हैं देखो भैया बब्बा जी विराजे हैं संकट मोचन मंदिर की सबसे बड़ी विशाल और प्राचीन मूर्ति है। बब्बा जी की बहुत प्राचीन मूर्ति है, स्वयंभू मूर्ति है, बनवा के नहीं लगाई गई। देखो जे हैं भैया एक बब्बा जी इतने भी विराजे हैं, दर्शन लीज कर जाओ आप सभी जने। देखो बब्बा जी सामने विराजमान है, जय हनुमान ज्ञान गुर सागर जय कपिस्तु लोक उजागर। जैसे कि भैया भगवान बजरंगबली बब्बा की आदमी आरती ही कर थे, आरती ले थे, और सामने जे है राम जानकी मंदिर। तो राम जानकी मंदिर को भी हम आपका लाइव दर्शन करवा रहे बुंदेली चुगली चैनल के माध्यम से। ये है भैया करो दर्शन, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, माता जगत जननी जानकी माता हंस उनके संग लखन जी महाराज विराजमान है। जी है भैया दर्शन करो सभी जने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के। बुंदेली चुगली की जो लाइव प्रस्तुति है, ये लाइव प्रस्तुति के माध्यम से हम आप लोगों का दिखवा रहे। भाई हरो इतने दर्शन कर भी आई हो, काम मांगो भगवान से, कैसा लग रहा है बताओ? भगवान से वो अपने आप देते हैं क्या, उनके शरण में आए हैं वो सब पूरे करते हैं जो उन्हें करना होता है। आज को कछु विशेष महत्व है सोमवार? हाँ सावन के सोमवार है, अभी सब देवी देवता अपने धाम चले जाते हैं, तो सिर्फ शंकर जी ही सावन के सोमवार में, मतलब पूरे सावन में शंकर जी अपनी दुनिया को मतलब भार संभालते हैं। देखो भैया जो ज्ञान की बात है, अच्छा तुमने काम मांगो पढ़ाई के बारे में, भोले बाबा से काम मांगो पढ़ाई उन्हें भगवान से ही मांगा कि भगवान सबको खुश रखना, बस यही है। बहुत बढ़िया, देखो भैया कितनी समझदार बेटिया लड़का है। अच्छा अब तुम और भी बताओ कुछ, बुंदेली चुगली की जो लाइव प्रस्तुति है सबको वो देख रहे हो, बताओ कि यहाँ कैसे लग रहा हो, कब से आ रहे हैं? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ से आके बहुत शांति मिलती है मंदिर आके। अच्छा कुछ मांगू? नहीं सब बिना मांगे मिल जाते भैया, मातन खां बिना मांगे भोले बाबा दे जाते, माता खां भोले बाबा भी डराते पार्वती माता को सुनो हुई, तो बिना मांगे भी ऐसी मातन खा तो बिना मांगे दे दिए दे। देखो लेकिन हमारे छतरपुर की परंपरा, छतरपुर को इतिहास संस्कृति के बाप माता इतने आदर्श स्थापित करत कि छोटे छोटे बच्चा भी आज सामन हो चुकी, और सामन में विशेष महत्व है भोलेनाथ को, तो छोटे छोटे बच्चा भी भैया इतने आके दर्शन कर, सबसे बड़ी बात यह है जो संस्कृति है हमारी छतरपुर की, जो छतरपुर को इतिहास है, इतने ऐसे भैया संस्कार दे जात बाप मताई के द्वारा कि जिनमें से छोटे छोटे बच्चा भी भगवान में आस्था रखकर विश्वास रखकर पूजा अर्चना करत। अब भैया बुंदेली चुगली की लाइव प्रस्तुति, बुंदेली चुगली की लाइव प्रस्तुति हम भैया इतने समाप्त कर रहे, फिर कोनो खबर लेके आप लोगों के बीच में हम फिर से हाजिर हो भी, तब तक के लाने भैया और सभी